हे व्यूअर्स, मैं हूँ रिजा सुहेल और मेरे साथ है जैन अली। नया गाना हम लेके आए हैं आपके लिए, बेवफा तेरा मासूम चेहरा। और हमने सोचा इस पे रिएक्शन वीडियो बनाएंगे, और मुझे लगता है कि वाकई ये जिस जिस बेवफा ने सुना होगा उसके दिल पे तो एक दफा ये गाना लगा होगा। आप क्या कहते हैं इस गाने के बारे में? बिल्कुल जी, सुना तो मैंने इसका टीजर देखा था गाने का, मुझे बड़ा म्यूजिक बड़ा टची सा लगा और बड़ी उसकी वर्डिंग, तो सुनते हैं बकाया, सुनने के बाद फिर व्यूज देते हैं इस पे। हमारी चौखट पे तो सितारे उतर आए। अरे कैसे हमारे सितारा तो ईद का चांद हो गया। अरे चले मिलो यार, आपने गाना सुना और बाकी जैसे मैंने पहले कहा था कि जिस जिस बेवफा ने सुना होगा उसको एक दफ़ा लगा होगा। बेसिक में मुझे लगता है पुरानी मोहब्बत भी दिखाई गई है, वो जब लड़का कुछ बनकर आया है तो वो जिससे पहले प्यार करता था अब वो किसी और से करती है, उसको खुद को समझ नहीं आ रही। आप क्या कहेंगे? नहीं, उसको समझ आ रही है, लड़कों को नहीं समझ आ रही। हाँ, नहीं, मैं लड़की की बात कर रही हूँ, उसको खुद को समझ नहीं आ रही, कर क्या रही हूँ। नहीं, उसको तो समझ, मैं वही कह रहा हूँ कि लड़की को समझ आ रही है क्योंकि लड़की तो इंजॉय कर रही है उसके साथ भी, उसके साथ भी। लेकिन ये है कि बेचारे लड़के वो ये सोच रहे हैं कि ये मेरे साथ भी है। पहले वाले को आ रही है? नहीं नहीं, वो दूसरे वाले को भी आ रही है, दोनों को आ रही है, जिसके साथ वो बाद में कर रही है ना उसको नहीं, उसको पता नहीं है, लेकिन उसे थोड़ा सा तो पता होना चाहिए। क्या हो रहा है? ये मेरे साथ भी वही होने वाली है जो पहले उसके साथ हुई है। लेकिन पहले वाले के साथ ज्यादती है यार। मैं तो यही कहूंगा उसका ओवरऑल पूरे गाने में जो एक्सप्रेशन रहा है, मुझे तो अपनी कहानियां याद आ गई पूरे। सीरियसली मुझे तो वो मामला तो याद आ गया, लेकिन चलो चलता है दुनिया के साथ साथ। आपके साथ कभी किसी ने बेवफाई की है? ये लंबा टॉपिक है हमारा, ये जो सेगमेंट है ये बहुत लंबा, को 1.5-2 दिन तक चला जाएगा तक। नहीं, पूरी ट्रांसमिशन आ सकती है। हाँ, पूरी ट्रांसमिशन चल सकती है। सही है, लेकिन ये है कि ये मैं समझता हूँ कि ये लड़कियों के लिए कॉमन चीज होती है, किसी बेचारे मासूम से लड़के के दिल के साथ खेलना। और दोनों आपने मिक्स कर दिया वैसे। चले खैर, कोई बात नहीं, माफ किया। और नहीं, आप खुद देख लो वो लड़की क्या कर रही है, आप खुद तो आप गाने की, आप हर लड़की का दिल यार गाने की। बेसिकली वो किसी रियल स्टोरी से इंस्पायर होगी, वो किया है ना उसने, डायरेक्ट किया और सब कुछ किया है, तो वो जो है ये पूछना पड़ेगा वैसे जिसने किया कि ये किसकी स्टोरी होता है। वैसे लड़कियां भी बड़ी बिल्कुल अभी यही कह रहा था। आहो वाला सीन आता है तो वो बस फिर यही कुछ दिखाया वह गाने में। और इसके अलावा वो उन्होंने एक रवायती कल्चर, वो गाने वाला और रक्स वाला दिखाया हुआ है जिसमें वो उस्ताद है उनके, वो टिपिकल सारा कुछ हो रहा है। नहीं, ओवरऑल मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है ये चीज है म्यूजिक है इसका। और उसके अलावा जुबिन नौटियाल और रोचक कोहली की आवाज है, आवाज पे हम कैसे नहीं बात कर सकते उनकी एक। नहीं नहीं, बहुत आला ओवरऑल म्यूजिक, उसके लिरिक्स, आवाज है, लिरिक्स भी, म्यूजिक भी, एक्टिंग भी, सब कुछ एक ओवर। नहीं, गाने पे मेहनत काफ़ी ज़्यादा हुई है, वीडियो पे बहुत मेहनत हुई हुई है, और गाना, गाने की ऑडियो के मुतालिक तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग, और जो वीडियो है उस पर बहुत मेहनत हुई हुई है, और वो वाकई में उन्होंने एक्सप्लेन किया है वीडियो में, एक मज़ार पे भी वो शूट हुई हुई है। इस्लामिक कल्चर टाइप, वो बेसिकली इंडिया में जो इस्लामिक कल्चर है ना उसको थोड़ा सा हाईलाइट किया उन्होंने, कि मतलब वो इस तरह से वो लड़का होता है और लड़की होती है, लड़की रक्स की क्लास लेती है और लड़का म्यूजिक की क्लास में होता है, तो उनका टीचर होता है और उसका बेटा होता है, तो उसके पहले लड़की की उसके साथ सेटिंग होती है, फिर उसके बेटे के साथ सेटिंग हो जाती है, तो चला जाता है ना बीच में, तो टाइम पास भी तो करना है। तो फिर इसीलिए तो ये था हमारा आज का गाना। नेक्स्ट वीडियो के साथ भी आप लोगों को, नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। बल्कि मैं कहता हूँ रिजा, ये हम ऑडियंस पे छोड़ दें कि आप बताएं कौन सा गाना चाहते हैं, आप बताएं कौन से गाने पे आप रिव्यू चाहते हैं, तो हम उस गाने पे लेके आएंगे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मुझे और जैन अली को इजाजत दीजिए तब तक के लिए।